सकते हैं कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसका बिगुल जो है बज चुका है। आज हम थराली विधानसभा में हैं, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि, हम उन्हीं से जान लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य बनने के इन 20 वर्षों में क्या विधानसभा थराली में जो विकास हुई और जहाँ पर जो बारी बारी से भाजपा कांग्रेस के जो पार्टियों ने यहाँ पर जो सत्ता में काबिज रहे हैं उन दोनों दलों ने यहाँ पे किस ढंग का विकास किया। तो हमारे साथ हैं यहाँ के जो स्थानीय। देखिए, मेरा नाम महेंद्र सिंह, मैं वर्तमान सरकार की बात करता हूं तो निश्चित रूप से मेरा सरकार ने पिछले 5 सालों में जो हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का एक ईंट तक नहीं लगाई है और खाली यह सरकार मंचों पर बड़े बड़े दावे करते हैं तो धरातल पे इस सरकार की एक भी योजनाएं मुझे नहीं लगता है कि धरातल पे अमल हुई है। और ये जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय आप थराली विधानसभा में, ये जो विधानसभा है भौगोलिक परिस्थितियों के रूप में हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोग बहुत ही दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं और जो गाँव की तमाम गाँव की समस्याएं हैं, सड़क मूल रूप से सड़क समस्या है, शिक्षा यहाँ की समस्या है और स्वास्थ्य, जिसके लिए यहाँ से लोगों को लगभग 300 किलोमीटर दूर जा करके के स्वास्थ्य का लाभ लेना पड़ता है, जो हमारे यहाँ की सबसे मूल समस्या है। और हम यह चाहेंगे कि इस सरकार ने, मैं समझता हूँ, तमाम वादे किए थे हम शिक्षा के क्षेत्र में ये करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये करेंगे, लेकिन वर्तमान समय में इस सरकार द्वारा किसी भी तरीके का कोई काम नहीं किया गया। के वर्तमान में सरकार के द्वारा कुछ भी जनता के लिए विकास के कार्य नहीं किए गए। हमारे साथ दूसरे स्थानीय व्यक्ति हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे क्योंकि पंचायत में प्रतिनिधि भी हैं, हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि वर्तमान में सरकार ने पंचायतों के लिए काफ़ी घोषणाएं की और पंचायत प्रतिनिधियों को जो कोरोना वॉरियर्स घोषित करने के बाद जो 10,000 के प्रोत्साहन राशि देने का भी जो घोषणा की थी, तो हम ये कुल मिलाकर के आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा के अंतर्गत और सरकार जो जनप्रतिनिधि के द्वारा किए गए कार्यों में क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो सरकार ने इन 5 वर्षों में काम किए हैं तो घोषणाएं तो काफ़ी हुई हैं लेकिन काम उसके आधार पे काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। धरातल पे चाहे वो रोडों से हो, शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से हो, जैसे वर्तमान में धामी सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों को 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि और प्रशस्त्री पत्र देने की जो मांग की गई थी कि भाई तुरंत ग्राम प्रधानों को दिया जाएगा, जैसे कि उन्होंने इससे पहले हमारे जो तमाम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी है उनको तुरंत DBT के माध्यम से 10,000 रुपये हस्तांतरित किए गए थे, वही उन्हें ग्राम प्रधानों को कराना था लेकिन अंत में वो कर नहीं पाए, खाली वो उनकी घोषणा बन के रह गई। और जो शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं कि जो NCERT की जो शिक्षा नीति है सरकार की, तो कई बार मुझे देख, मैं खुद एक शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो सारे जो शिक्षा में जो तमाम नए जो शोध किए जा रहे हैं उनके द्वारा, तो कहीं ना कहीं उस शिक्षा की गुणवत्ता में उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। जैसे कि आजकल इस कोरोना काल में तमाम बच्चे विद्यालयों में जाने से वंचित रहे और डिजिटल इंडिया की जहाँ तक बात की गई, तो जैसे कि प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से गांव डिजिटल इंडिया से जुड़ते हैं लोगों से और बहुत अच्छी वहां पे वार्तालाप होती है उनकी तमाम जनप्रतिनिधियों से, लेकिन अगर बात एक तमाम ग्रामीण क्षेत्रों की जाए तो वहां पे भी विद्यालयों को डिजिटल इंडिया के माध्यम से जोड़ा गया, वर्चुअल क्लासों के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन वहाँ पे कनेक्टिविटी की बहुत समस्या रही, तमाम जो बच्चे थे नौनिहाल थे वो उस शिक्षा से वंचित रहे, जो सरकार की एक व्यवस्था बनी थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और रही स्वास्थ्य की बात, तो मैं नारायणबगड़ की ही बात करूं, तो नारायणबगड़ का जो प्राथमिक वो स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आज भी जस का तस है, कई तमाम यहाँ से ब्लॉक प्रमुख थे, यहाँ के जो हमारे स्वर्गीय श्री मगनलाल साजी थे वो इसी ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे कभी, और उनकी ही मांग थी कि हम इस अस्पताल का उच्चीकरण करेंगे और आज वही विधायक बने और उसके बाद उनके स्वर्गवास के बाद उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मुनी देवी साजी यहाँ पे विधायक रही, तो वो भी इस हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार नहीं कर पाए। एकमात्र उनके द्वारा जो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक केवल महाविद्यालय का जो उन्होंने निर्माण कराया वो काफ़ी काबिल तारीफ है कि ऐसा नहीं कर सके हम कि किसी एक पार्टी का जो काम किया है उसको भी हम दरकिनार नहीं करते हैं, कुछ किए गए उनके द्वारा, लेकिन जैसे ये रोडों में जो काम चल रहा है तमाम, तो बिल्कुल सही नहीं, गुणवत्तापूर्वक कहीं भी काम नहीं हुए, चाहे वो PMGSY का हो, चाहे वो लोक निर्माण विभाग का हो, चाहे वो NTPC का हो, चाहे किसी भी निर्माणाधीन जो भी कंपनियां हैं, सबके द्वारा गुणवत्ता में बहुत कमियां दिखाई देती है, चाहे पुल हो, चाहे ये कोई भी सरकारी भवन हो, तो निर्माण में गुणवत्ता का निम्न स्तर दिखाई देता है जो कि आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। रोड का काम चल रहा है और रोड
कि हालत कैसी बनी हुई है, जस की तस है। जो रोड 5 साल पहले थी वो रोड आज भी वही दिखाई दे रही है। तो हमारी दूसरी जो 2022 का जो ये चुनाव का बिगुल बज चुका है, चाहे हमें नहीं पता कि प्रतिनिधि कौन हो, क्या हो या कैसा हो, किस पार्टी का हो, बस जो अपने क्षेत्र के लिए जिसकी एक धारणा हो कि क्षेत्र के लिए हमें क्षेत्र में अपने क्षेत्र का विकास करना है, प्रत्येक हमें यानी कि उत्तराखंड का विकास चाहिए, हमें अपने क्षेत्र का विकास चाहिए। अगर प्रत्येक 70 विधायक अपनी अपनी विधानसभा का ऐसे ही अपनी विधानसभाओं को देखते हुए विकास करें तो निश्चित है कि पूरे उत्तराखंड का भी विकास संभव हो पाएगा। हम और क्षेत्रों की बात नहीं करते और विधानसभाओं की बात नहीं करते। अगर हमारी मुनि देवी शाह हो या डॉक्टर जीत राम हो या आपके एक नवनिर्वाचित आप पार्टी के गुड्डू लाल हो। सर, एक अभी भी जो जितने भी सड़कें छूटी हुई है और विधायक जी कह रहे हैं कि मैंने 11,000 किलोमीटर सड़क बनाई, मुझे नहीं लगता है उन्होंने केवल 11 मीटर सड़क अपने घर जाने के लिए बनाई है और जनता को भ्रमित करने के लिए 11,000 किलोमीटर सड़क का बहाना बनाते हुए आगे रास्ते का जा रहा है। मुझे नहीं लगता है क्षेत्र के विकास के लिए। यहाँ पे सब लोगों में रोष है और जनता चाहती है कि परिवर्तन हो और इस समय जो है भाजपा की सरकार ना करके कांग्रेस की सरकार आने के लिए जनता ने अपना मन बना चुका है, क्योंकि कांग्रेस की विधायक जनता चाहती है कि इस बार परिवर्तन हो और परिवर्तन किस ढंग का हो। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसे सड़कों के लिए यहाँ पे तमाम दर्जनों गांव के दर्जनों क्षेत्रों के लोगों ने अभी चुनाव का जो मतदान का बहिष्कार किया है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो सामने आ करके दिखी कि अभी जनता ने लगातार जो यहाँ पे पूरे विधानसभा क्षेत्र में है सड़कों के लिए लोग जहाँ लगातार चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, जहाँ सरकार अपने दावे और खूब वादे करती हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछाया, लेकिन जनता आज भी मजबूर है चुनाव बहिष्कार करने के लिए। तो आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं जुरस क्षेत्र जो मेरा ग्राम पंचायत इड़ा है, वहाँ के जो लगता हुआ गांव ग्राम पंचायत नाखोली है, वहाँ पर एक रोड की स्वीकृति होनी थी। ग्राम पंचायत वासियों ने माननीय विधायक जी से मांग की थी रोड की, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का, हमारी विधायक का इस तरीके का बयान आता है कि अगर स्थानीय लोग माननीय विधायक जी को कहते हैं कि माननीय विधायक जी आप हमारी रोड स्वीकृत कीजिए, आप हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन माननीय विधायक जी ग्राम पंचायत वासियों को कहती है कि आपके पास जमीन नहीं है। क्या रोड लाने के लिए ग्राम पंचायत वासियों के जमीन देनी है, जबकि सरकारों के पास तमाम प्रकार की संसाधनों को अर्जित करने के लिए गवर्नमेंट को लोग जनता सरकार को चुनती है। दूसरी बात, हमारे माननीय विधायक जी ने तमाम यहाँ क्षेत्रों में कहा था कि हम जो हमारे हॉस्पिटल पड़े हुए हैं उनमें किसी प्रकार की कोई अल्ट्रासाउंड मशीन देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक हमारे किसी भी हॉस्पिटल में चाहे थराली लगा लीजिए आप, नारायण बगड़ लगा लीजिए, दीवार लगा लीजिए, कहीं भी किसी प्रकार की कोई मशीन नहीं पहुँची। आप देखिए, वर्तमान में ही कल का ही एक मामला है, आप सरकार हमारी पहाड़ की जनता इन जो हमारे प्रतिनिधि हैं इस तरीके के जो पहाड़ के विकास की बात नहीं करते उनको इस समय बाहर भेजने का काम करेंगी। मैं यही मेरा विश्वास है। जय हिंद, जय